प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करती है, कि इन्होंने इसका आविष्कार किया, ये प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, और ये एग्जैक्टली है क्या, क्या साइंस है उसके पीछे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम जानते हैं। होपनोपन के बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली होपनोपन जो प्रोसेस है उसके जो फाउंडर है उनका नाम है डॉक्टर ह्यू लैन। वो हवाई में वहां पर हवाई स्टेट हॉस्पिटल्स के वहां के मेन डॉक्टर थे, और उन्होंने वहां पर कितने सारे मेंटल पेशेंट्स का इस प्रोसेस के द्वारा उनको ठीक किया था। ये प्रोसेस केवल हेल्थ के ऊपर वर्क नहीं करती, ये हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए वर्क करती है। मैं आपको उसका हिस्ट्री सिंपली बता दूं कि डॉक्टर ह्यू लैन ने वहां पर ऐसे क्रिमिनल माइंडेड पेशेंट्स को उस हॉस्पिटल में रखा जाता था जिन्होंने बड़े बड़े नेगेटिव काम किए, जैसे कोई किसी का कोई मर्डर किया है, कोई बहुत ज्यादा संकी दिमाग का है, कोई ज्यादा बहुत नेगेटिव व्यक्ति है, किसी ने किसी का कोई ऐसा खराब काम किया है, उसके हिसाब से उसको वहां रखा गया जिसका माइंड नॉर्मल नहीं है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। वहां पर उन सारे पेशेंट्स को पैरों और हाथों में बेड़िया लगाकर रखा जाता था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, काफी किसी को कोई चोट ना पहुंचे। ऐसे नेगेटिव मास्टर क्रिमिनल पेशेंट्स उस हॉस्पिटल्स में रखा गया था, उन लोगों को ठीक करने के लिए ऐसी कोई सिनारियो वही बन नहीं रहा था, ऐसी कोई दवाई नहीं थी कि इन लोगों को कुछ ठीक किया जा सकता है या फिर उनका माइंड चेंज किया जा सकता है, कि उनके माइंड में जो नेगेटिविटी आई है वो कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो होपनोपन अपने आप में इतनी आविष्कार करने वाली प्रोसेस बन गई। उन्होंने डॉक्टर ह्यू लैन ने ये प्रोसेस 1985 से लेके 1987 के बीच में ये प्रोसीजर की थी, और उन्होंने ये सारे पेशेंट्स को बहुत ही नॉर्मल अवस्था में कन्वर्ट कर दिया था। और ये प्रोसेस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल जाता हूँ कि डॉक्टर ह्यू लैन ने एग्जैक्टली किया ऐसा कि जितने भी पेशेंट्स थे उनको ना उन्होंने टच किया, ना ही उन्होंने देखा, ना ही कोई पर्सनल कोई कॉन्टेक्ट था, ना ही उनको जानते थे, बस उनको पता था कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपली जितने भी पेशेंट्स थे उनके वन बाय वन उनकी जो फाइल थी वो फाइल पढ़ी, समझी, देखी, जानी, और उनकी फाइल में एग्जैक्टली उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और इसका माइंड किस लेवल तक है अभी, कितना नेगेटिव है, वो सारी चीजें उनको छोटी मोटी डिटेल्स उन्होंने ली, और उसके ऊपर उन्होंने वो पूरा प्रोसेस का प्रोसेस शुरू किया। और वो प्रोसेस करने के बाद वन बाय वन सारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स थे वो ठीक होने शुरू हो गए, और वो इतने हद तक ठीक हो गए कि वन बाय वन सारे जितने भी वहां पर हॉस्पिटल्स में क्रिमिनल माइंडेड पेशेंट्स थे जितने भी, वो पूरा हॉस्पिटल ही खाली हो गया विदिन सिक्स मंथ के अंदर। सिक्स मंथ के अंदर पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया, सारे के सारे पेशेंट्स नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए, जैसे हमारे नॉर्मल पेशेंट्स होते थे वहां पर शिफ्ट हो गए, ठीक हो गए। सबको आश्चर्य लग रहा था कि ये एग्जैक्टली है क्या, कैसे किया डॉक्टर ह्यू लैन ने, ये एग्जैक्टली बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें चार स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें चार स्टेटमेंट आपको सुनने में तो बहुत इजी लग रहे होंगे, पर वो चार स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, किस प्रोसेस के द्वारा कनेक्ट करना है, और वो वर्क करता कैसे, वो सारी चीजें आपको डिटेल में सीखना और जानना जरूरी है, तभी आप आराम से इजीली सारी चीजें कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रॉब्लम और साथ में दूसरों की सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल प्रोसेस के द्वारा। ये प्रोसेस बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की है, तब से लेके डॉक्टर ह्यू लैन ने अभी तक कितने सारे लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है इस कोर्स के द्वारा, और कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग इस कोर्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी ला चुके हैं। आप समझो कि क्रिमिनल माइंडेड वाले नेगेटिव लोग अगर ठीक हो सकते हैं तो हमारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमें कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, कोई अदर प्रॉब्लम है, तो ये प्रोसेस ज्यादातर चार चीजों पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। पहले हमारा जो हेल्थ है, जो सबसे जरूरी है, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी, हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, सेट होगा, तभी हम सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो हेल्थ के ऊपर ये प्रोसीजर जबरदस्त वर्क करती है, जैसे डॉक्टर ह्यू लैन ने किया। दूसरी चीज है आपकी रिलेशनशिप, आपके आजू बाजू वाले जो लोग हैं, आप जिसके पास उठते बैठते हो, आप जिसके साथ काम करते हो, जो भी सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, कैसे होनी चाहिए, कैसा करना चाहते हो, वो सारी प्रॉब्लम इस प्रोसेस में आ जाती है। रिलेशनशिप आप मेंटेन करना सीख लोगे, उसके बाद आपका जो बेसिक नीड है, जो आपका मनी फाइनेंस, आप मनी आप ग्रोथ करना चाहते हो, आप उसमें ज्यादा फ्रीडमनेस चाहते हो, अपनी फ्रीडम चाहते हो,
दूसरी प्रोसेस बहुत बेस्ट लेवल पर वर्क करती है, आपके फाइनेंशियली ग्रोथ करने भी ये प्रोसेस सिखाएगी, साथ में आपका करियर, आपका ग्रोथ, आपका सक्सेस लेवल पर आपको आगे बढ़ना है। ये चार पिलर्स आपके मजबूत हो जाते हैं इस प्रोसेस को करने से। आपके रिलेशनशिप, आपका मनी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, आपका हेल्थ अच्छा होना शुरू हो जाता है। अच्छा है तो आप उसको और बेटर बना सकते हो, आप जिस लेवल तक ले जाना चाहते हो अपने ग्रोथ को, अपने सक्सेस को, अपने करियर लेवल को, वो सारी चीजें ओपन अप प्रोसेस के अंदर हो जाता है बहुत अच्छे से। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, ये एक हवाईयन प्रेयर है। इस हवाईयन प्रेयर में चार सेंटेंस के अंदर पूरा प्रोसेस होता है। मैं वो चार सेंटेंस आपको बताना चाहता हूँ कि वो सेंटेंस आपको सुनने बहुत इजी लगेंगे और उसकी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें आई एम सॉरी, आई फॉरगिव इट और थैंक यू एंड आई लव यू, ये चार सेंटेंस बोलने से ही सारा प्रोसेस वर्क करता है। और वो सेंटेंस एग्जैक्टली अलग अलग प्रॉब्लम के लिए कैसे आपको फीलिंग के साथ वो चीज करनी है और कैसे यूज करना है वो सब इस प्रोसेस के अंदर सिखाया जाता है। ये प्रोसीजर बेसिकली पूरे वर्ल्ड में इतने हजारों लोग आज तक इसका यूज कर चुके हैं जिसमें मिरेकल ही मिरेकल साबित हुए हैं। डॉक्टर ह्यूल ने कहा कि प्रोसीजर को करने के लिए आपको खुद को अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप अपने खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो कि ये जो काम हुआ है, जो प्रॉब्लम हुई है मेरी या दूसरे की, तो आपको खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे, अपने जिम्मेदारी अपने खुद के ऊपर लेना शुरू करेंगे और खुद को प्योरीफाई करेंगे, तब जाके ये काम करना शुरू करेगा और तब जाके आपके ऊपर एक मिरेकल इफेक्ट आना है। यूनिवर्सल पावर के साथ कनेक्ट हो गए प्रोसीजर वर्क कर दिए। जैसे हम कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने बहुत सारे चर्चेस सुने होंगे, बहुत सारे मिरेकल सुने होंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके एक नॉर्मल लेवल की अपने मन को, अपने सबकॉन्स माइंड को एक्टिव करके उस लेवल तक वर्क करते हो, सेम प्रोसेस इसमें भी कुछ हद तक वर्क करती है। पर उसमें हवाईयन जो प्रेयर है वो प्रेयर के साथ कनेक्ट होके वो सारा प्रोसीजर करना होता है, जिसमें चार जो सेंटेंस है उस चार सेंटेंस को साथ एक हमारे अंदर काम के साथ आराम से शांत दिमाग के साथ उसके साथ कनेक्ट होना है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है ऐसा मान के उसको आगे बढ़ते हैं। आपको अगर इस चीज को और डिटेल में जानना है, समझना है, तो नीचे एक लिंक है मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप चाहिए और वहां पर ये पूरा डिटेल्स के अंदर इस कोर्स में पूरा सब कुछ मैंने दे दिया है। आप उस कोर्स में जा सीखिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आपको हर एक चीज हम डिटेल में सिखाएंगे जिसमें एडवांस और बेसिक लेवल की सारी चीजें बताई हुई है कि एडवांस लेवल में क्या आता है, बेसिक लेवल में क्या आता है। मैं आपको उसके लिए सारा डिटेल्स इसमें बता के रखूंगा और आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख लेंगे, अपने खुद का सोल्यूशन खुद ही लाना शुरू करेंगे, साथ में आप दूसरों की प्रॉब्लम लाना भी शुरू कर देंगे इतने डिटेल में। और उसके हर एक मेडिटेशन, हर एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे। इसकी हिस्ट्री आपने देखी, जानी, समझी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे वो करने के लिए क्या क्या चीजें हम करेंगे। ओके, तब तक आप आराम से एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, मजे से रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिलीजन सारी चीजें सीखिए, एंजॉय कीजिए। आई एम डॉक्टर जॉय, स्पिरिचुअल ट्रेनर एंड कोच, लाइफ कोच। आप मेरे बहुत सारे अलग प्रकार के कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो हमारे बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल्स बता सकते हैं, तो आपको उस लेवल का कोर्सेज भी सजेस्ट किया जाएगा और साथ में आपको जो भी नई चीजें सीखनी उसका पूरा डिटेल हम समझेंगे, जानेंगे और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम के नए या पुराने सोल्यूशन लाने हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन ओपन ओपन की हीलिंग प्रोसेस के द्वारा, हमारे पास फास्टेस्ट हीलिंग प्रोसीजर है उसके द्वारा भी हम उसका सोल्यूशन लाएंगे। आप जरूर उसमें ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर।